आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक कहते हैं कि मनोनीत पार्षद और पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी कोर्ट जाने वाली है, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि इन मुद्दों की वजह से दिल्ली की जनता परेशान हो। इसी वजह से आम आदमी पार्टी कार्यसूची का पालन करते हुए चाहेगी कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो जाए। संविधान के हिसाब से तो वो नहीं दे सकते, ऐसा अगर उन्होंने किया तो कोर्ट के अंदर टिकेगा नहीं। तो मेरी तो उनसे यही विनती है कि आप इसको ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आज आपके पास पावर है, आज आप इतने राज्यों में आपकी सरकार है, आपके पास पुलिस है, आपके पास आर्मी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये सब चीज़ें देश को बनाने के लिए बनी है, देश को बचाने के लिए बनी है, देश के संविधान को बचाने के लिए बनी है, एक पार्टी को जबरदस्ती पावर में लाने के लिए नहीं बनी है। तो हम तो उनसे यही विनती करेंगे कि आप जो संविधान में लिखा है उस संविधान को आप फॉलो करिए।